नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिकी स्टडी पर। मैं आपका दोस्त समीर कुमार, मैं एसएससी एमटीएस 2023 के थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं और मैंने ऑल इंडिया रैंक 183 हासिल की थी। लकीली मुझे मेरा होम स्टेट और होम टाउन दोनों मिल गए थे, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि किसी और वीडियो में कि कैसे मुझे मेरा होम स्टेट या होम टाउन मिला है, आपको कैसे मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम इंग्लिश पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो जीके की स्ट्रेटजी पर बनाया था कि कौन से टॉपिक्स जीके में हमें पढ़ने चाहिए जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। उसकी मैंने पीडीएफ भी जो टॉपिक्स की थी वो टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करवा दी थी। और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे एक कमेंट और किया कि सर हमें इंग्लिश की स्ट्रेटजी प्रोवाइड करवाइए, तो टेलीग्राम चैनल पे भर भर के मैसेजेस पड़े हैं। इसके अलावा यूट्यूब जो मैंने वीडियोस डाले थे उसके कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे मैसेज आए थे कि सर इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश आसान है, आप इसमें इजीली 25 के 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सच बोल रहा हूँ। पर्सनली अगर मैं आपको अपना स्कोर बताऊँ तो मैंने कितना स्कोर किया था, मैंने 25 के 25 क्वेश्चन किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए, तो मेरे 23 क्वेश्चन सही थे। हाँ, 25 के 25 सही हो सकते थे, आपके ज़रूर होंगे, मेरे हुए या नहीं हुए डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि मैं सिलेक्ट हो गया। अब आपको सिलेक्ट होना है तो वो कौन सी रणनीति है, वो कौन सी टेक्निक है, वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन सा चैनल है जहाँ से पढ़ें, वो कौन सी किताब है जहाँ से पढ़ें कि आपका अच्छा स्कोर हो जाए, यही आप जानना चाह रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको चैनल बुक सब कुछ बता दूंगा। सबसे पहली चीज़ है, इंग्लिश में स्कोर करने के लिए आपको अपना माइंडसेट ये सही करना होगा कि इंग्लिश आसान आती है। आप इसको एसएससी सीजीएल की इंग्लिश से कंपेयर मत करिएगा। आप एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी जितनी सीजीएल में आती है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करना है। सेकेंड थिंग ये है कि आपको पढ़ना कहाँ से और क्या पढ़ना है, उससे पहले आप ये जानो कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। देखिए, वो कैब का सेक्शन आपको पढ़ना है, मैं पूरी इंग्लिश को 3 पार्ट में आपको बांट के बताता हूँ। पहला पार्ट होगा वो कैप का सेक्शन, वो कैप में आपको सिनोनिम आएगा, एंटोनिम आएगा, वन वर्ड आएगा, ईडियम आएगा और करेक्ट द स्पेल्ड वर्ड आएगा, यानी जो गलत वर्ड ले देते हैं, स्पेलिंग गलत कर देते हैं वो आएगा। तो ये चीज़ आपको पढ़नी है वो कैप के सेक्शन में। फिर से सुनिए, सिनोनिम आएगा, एंटोनिम आएगा, वन वर्ड आएगा और करेक्ट द स्पेल्ड वर्ड आएगा और ईडियम आएगा, ईडियम एंड फ्रेजेस, तो ये आपको पढ़ना है। ये कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा ब्लैक बुक। मैंने कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, मैं आपको अपनी किताब दिखा देता हूँ, ये रही मेरी ब्लैक बुक, ठीक है, और मैंने इसमें बहुत अच्छे से एकदम निशान वगैरह लगा रखे हैं, बहुत मैंने इसको पढ़ा था भाई। ये देख रहे हैं सारे गोले वोले बने होंगे, ध्यान से देखिए, थोड़ा उल्टा दिखेगा आपको यहाँ पर क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये मेरी ब्लैक बुक है, मैंने इसको काफ़ी पढ़ा था। आप देखेंगे, जहाँ देखेंगे प्रीवियस ईयर भी है, इसमें सारे गोले गोले करके बने हुए हैं, क्योंकि मैं पेंसिल यूज़ करता था, जब भी मैं पढ़ता था पेंसिल यूज़ करता था, इससे होता यह था जो वर्ड मुझे नहीं आ रहा उसको मैं राउंड कर देता था, सर्कल कर दिया करता था और बाद में इसको मैं फिर पढ़ता था। तो ये वो कैब के लिए आप ब्लैक बुक पढ़ सकते हैं, मैंने कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली है, मेरा पर्पस एक है कि मैं आपको सही जानकारी दूँ, एक सही डायरेक्शन दूँ, ठीक है। तो 3 पार्ट में मैंने इंग्लिश बांटने की बात कही, पहला पार्ट आप समझ गए वो कैब का है, दूसरा पार्ट जो है वो आता है आपका एरर डिटेक्शन का, कि जो एरर वाले क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं एरर वाले, तो आपको ये कैसे करने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो बेटर है। देखिए, बैकग्राउंड में नॉइस ना है इसलिए मैंने पंखा बंद कर दिया, तो मुझे पसीना आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों के लिए थोड़ा पसीना बहा रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट करिए। हाँ, तो बात कर रहे थे एरर डिटेक्शन की, तो कैसे एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन करने हैं, उसके लिए मैंने आपको एक प्लेलिस्ट सजेस्ट की थी जहाँ से पर्सनली मैंने पढ़ा था, सच में मैंने पढ़ा था, शुभम जैन सर का चैनल है RBE रेवोल्यूशन बाई एजुकेशन, वो प्लेलिस्ट भी मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर कर दी है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल में मैंने पिन भी कर दी है, तो आप चाहें तो वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, काफ़ी सारे नए बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो डू नॉट वरी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप सर्च कर लीजिएगा, वो मेरे चैनल का नाम है ट्रिकी स्टडी, आप टेलीग्राम में उसको सर्च करेंगे मिल जाएगा, चैनल का लोगो देख के आप पहचान जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पिन कमेंट में देखिएगा जो ऊपर पिन रहता है टॉप पर चैनल के जो नेम के नीचे, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें 100 रूल्स दिए गए हैं, क्या करने हैं आपको, वो रूल्स ध्यान से पढ़ना है, सेकेंड थिंग उनके नोट्स बनाने हैं, थर्ड थिंग उनका रिवीजन करना है। आपने एक बार अगर ये कर लिया अच्छे से,
जेन्यूनली मैं आपको बता रहा हूँ, आप सीजल के एग्जाम तक को क्रैक कर पाएंगे उन रूल्स को पढ़ के। मतलब सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे वो रूल्स मेरे लिए, तो मैंने उनको बहुत अच्छे से कवर किया था। आपको भी करना है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो पार्ट टू में आपको एरर डिटेक्शन मैंने बता दिया, अब लास्ट पार्ट जो बचता है वो बचता है क्लोज टेस्ट का। कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है तो अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में, प्रैक्टिस करने में। सीजीएल वगैरह में आता है कॉम्प्रिहेंशन, वहाँ उसकी वैल्यू ज़्यादा है, बट यहाँ एमटीएस के एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता। क्लोज टेस्ट वो होता है जिसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ होता है, आपको एक स्टोरी जैसा एक कुछ दिया होता है, उसमें बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है। बीच बीच में ब्लैंक्स होते हैं ना, उनको फिल करना होता है, वो क्लोज टेस्ट कहलाता है। तो आपका वो क्लोज टेस्ट होता है, और बहुत बड़ा नहीं होता है, थोड़ा छोटा ही होता है, बहुत हार्ड नहीं होता, थोड़ा इजी होता है। वो आप कैसे कर सकते हैं, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं प्रैक्टिस करके, ठीक है। बाकी आपने एरर डिटेक्शन के रूल पढ़ लिए, आपने वोकैब पढ़ लिया, आपका मान के चलिए 70% काम हो गया, 30% काम होगा उनको समझ के। आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे लगातार तो आपका वो भी हो जाएगा। एक काम और आपको करना है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। मैं बस सच बताऊं, 25 क्वेश्चन जीके के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, और मैं फिर से बोल रहा हूं सिर्फ आपको इन 50 क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स क्वालिफाइंग है। कुछ लोग कहेंगे कि वो मेरिट बनाने में बड़ा हेल्प करता है, तो हम 5 घंटे तो वही पढ़ेंगे, तो भाई फिर वही पढ़ोगे फिर सिलेक्शन कैसे होगा। वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, और मैं सीधा सीधा एक बात बताऊं, इतने हार्ड नहीं आते हैं। अगर आपकी मैथ्स मान लेता हूं वीक है, तो आपकी रीजनिंग स्ट्रांग होगी, अब वहां से स्कोर 12 ही क्वेश्चन तो सही करने हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं कह रहा हूँ भाई देखो, 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन हो गए, और उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। अगर आप तुक्का भी मार लो ना, 20 के 20 करके आओ, माइनस मार्किंग है ही नहीं, काहे परेशान हूँ, ठीक है। आपके 100% वो वाला सेक्शन क्लियर होगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप फोकस करो जीके पे और इंग्लिश पे। यहाँ यूट्यूब पे लाइव क्लासेस चल रही हैं भाई साहब, वो लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, 2-2 घंटे बच्चे लगे पड़े हैं, हजारों लाखों की संख्या हम देख रहे हैं। भाई मेरे डायरेक्शन सही पकड़ोगे तब सिलेक्शन होगा, मेरा यही मानना है। अगर आपने डायरेक्शन गलत पकड़ ली, आपको हो ये रहा है कि लोग बच्चे 2 घंटे क्लास देख के खुद को सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि यार आज मैंने बहुत पढ़ लिया, भाई आप गलत डायरेक्शन में पढ़ के आए हो, ठीक है। डायरेक्शन सही करो। तो मैं क्या कह रहा हूं, 3 पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। पहला पार्ट वो कैप का सेक्शन जो कि आप ब्लैक बुक से पढ़ना है, दूसरा पार्ट जो मैंने आपको एरर डिटेक्शन वाला बताया है वो आपको करना है, तीसरा मैंने आपको क्लोज टेस्ट बताया है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स जो पूछे जाते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स फिल इन द ब्लैंक्स के आते हैं, तो उसमें क्या है, वो कभी कि कोई एंटोनिम फिल करने के लिए देगा, कभी कोई सिनोनिम फिल करने के लिए देगा, कभी कोई एडियम फिल करने के लिए दे देगा, कभी कोई वर्ब में गलती कर देगा, तो इस तरह का है। लेकिन ये चीजें क्या करना है, बाकी ये ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट आता है वो ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा अगर आप बाकी की चीजों पर ध्यान देते हैं। सेकेंड थिंग प्रैक्टिस, मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक मॉक टेस्ट डेली लगाओ। भाई 50 क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 15 से 20 मिनट का, और 15 से 20 मिनट आप उसको रिव्यू करो, मतलब 1 घंटा दे लो भाई, 1 घंटा मॉक टेस्ट लगाने के लिए दे लो। मैं कह रहा हूँ मैथ्स और रीजनिंग का पहला जो सेक्शन आता है ना, उसको डायरेक्ट सबमिट मार दो अभी के लिए, फिलहाल के लिए। बाद में जब प्रिपरेशन के आप मतलब 1 मंथ लास्ट में बचे, तब आप प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी बहुत उसको भी साथ में। लेकिन अभी का अपना ये काम होगा कि जीके और इंग्लिश वाले सेक्शन पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो हमें मेरिट बना के देगा, वही हमको सिलेक्शन दिलवाएगा, तो समझ गए। और रही बात, कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप अपने वाले जो वो कैप के नोट्स हैं वो हमें प्रोवाइड करवा दीजिएगा, तो मैंने जो अपना जो पर्सनली नोट्स बनाया है उसकी मैं पीडीएफ बना करके अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैंने क्या किया था, जब मैं वो कैप के नोट्स बना रहा था, तो मैंने किया ये था कि जो मुझे हार्ड लग रहा था वर्ड, वो मैं क्या करता था, नोट डाउन कर लेता था। फिर मैं जब मॉक टेस्ट लगाता था, मान लीजिए उसी वर्ड से रिलेटेड कोई सिनोनिम मिल गया तो वहीं पे जाके लिखता था, उसी से रिलेटेड कोई एंटोनिम मिल गया तो उसी एंटोनिम वाले सेक्शन में लिख देता था। तो इस तरह से मैं नोट्स क्रिएट कर लेता था। और जैसे कि अमीर जैसे होता है, इसका सम्पटुअस है ना, एफ्लुएंट है, ऑपुलेंट है, तो इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं रिच वाला ना, तो इनको मैं बहुत अच्छे से कलेक्ट किया करता था, ठीक है। वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, एक बार आप देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है,
और बाकी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम प्रोवाइड करवा दूंगा जो मैंने बोली हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है @TS समीर, ठीक है, ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करिए, कमेंट कर दीजिएगा। जैसे अगर मुझे आपका कमेंट दिखा तो मैं आपको रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, सिलेक्शन इस बार लेना है, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।